हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं आलू की बहुत ही चटपटी सी सब्ज़ी। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं बनाना। ये मैंने आलू काट के रखा हुआ है और प्याज भी काट के रखा हुआ है। अब ये पेन मैंने चढ़ा दिया, अभी गर्म हो चुका है पेन। अब इसमें हम सरसों का तेल डाल रहे हैं। आलू की सब्ज़ी हमेशा ही सरसों के तेल में बनाइए, इससे ज़्यादा अच्छा टेस्ट होता है। इसमें मैंने ज़ीरा डाल दिया है तड़का लगाने के लिए। ज़ीरा अच्छे से जल जाए, भुन जाए, तो इसमें प्याज हम डालेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही कम चीज़ों से, कम इंग्रेडिएंट से बनने वाली आलू की बहुत ही चटपटी सब्ज़ी है। मुझे पूरा यकीन है कि आपको अभी तक किसी ने ये रेसिपी नहीं बताई होगी, तो आप ज़रूर बनाइएगा इसे। इसे प्याज को फ्राई करेंगे, प्याज को पूरा फ्राई करना है, पूरे ब्राउन होने तक। देखिए मैंने आलू इतने मोटे मोटे काट के रखे हैं, इससे आलू थोड़ी जल्दी गल जाएगी। ज़्यादा मोटा काटने से आपको बहुत टाइम लगेगा आलू को गलाने में। प्याज को हमें पूरा ब्राउन होने तक फ्राई करना है। देखिए फ्रेंड्स, प्याज का कलर बहुत अच्छा आ गया है। अब इसमें हम आलू जो काट के रखा हुआ है डालेंगे और आलू को इसी प्याज में फ्राई करेंगे। अच्छे से फ्राई करना है, ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, हल्का ही फ्राई करना है हमें। इसमें मैं मसाले ऐड करूँगी। मसाले में कुछ भी नहीं, सिर्फ लाल मिर्च पाउडर ऐड करना है और कुटी हुई काली मिर्च, बस। और कोई भी मसाला ऐड नहीं करना है इसमें फ्रेंड्स। बहुत ही कम मसाले, बहुत ही चटपटी बनने वाली है सब्ज़ी। नमक मैंने ऐड किया है। अब इन सबको अच्छे से मिलाएँगे हम। ये ब्राउन प्याज की वजह से इसका कलर बहुत ही अच्छा आता है। अभी देखने में ये ऐसा लग रहा है फ्रेंड्स, लेकिन बनने के बाद इसका कलर बिल्कुल ही चेंज हो जाता है जब प्याज पूरी तरह से गल जाता है। इसमें हम टमाटर ऐड करेंगे जो हमने काट के रखा हुआ है। इसको अच्छे से मिलाएंगे सबको। और इसमें हम पानी ऐड करेंगे, आलू को गलने के लिए पानी की ज़रूरत है। ज़्यादा पानी नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालना है जिसमें आलू गल जाए। इन सबको अच्छे से मिलाकर हम ढककर 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे मीडियम फ्लेम पर। बीच में चला खोल के देखते रहेंगे फ्रेंड्स इसे हम। देखिए खोल के देखते, देखिए फिर इसका कलर पूरा तरह से चेंज हो गया है। कोई भी ज़्यादा मसाले मैंने ऐड नहीं किया था। हम आलू चेक करेंगे गला है कि नहीं। देखिए आलू भी गल गया है हमारा। हम थोड़ा पानी को और सुखा लेंगे, थोड़ी और हमें सूखी सब्ज़ी चाहिए। देखिए पानी इतना सूख गया है, से खोल के हमने भुना है। अब हम इसमें कसूरी मेथी ऐड करेंगे। अगर आपके पास धनिया का पत्ता हो तो धनिया पत्ते भी ऐड कर सकते हैं, फ्रेश धनिया पत्ते। मेरे पास धनिया पत्ते नहीं है, मैं सिर्फ इसमें कसूरी मेथी ऐड कर रही हूँ। इसे मिला लेंगे अच्छे से, इसे ढककर फ्लेम को बंद कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, बनके तैयार है हमारी चटपटी आलू की सब्ज़ी। तो आपको कैसी लगी इजी रेसिपी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। हम आपके साथ हमेशा ऐसी इजी और टेस्टी रेसिपी शेयर करते हैं फ्रेंड्स। तो कमेंट करके हमें जल्दी से बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करिए और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू।